brought to you by Techno Camon 30 series. लेकिन रीसेंट टाइम्स में हमने देखा है, अगर विधानसभा इलेक्शंस का मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, तो एक्सेप्टेंस आम आदमी पार्टी को लेके दिखाई दी है। आप गुजरात का एग्जांपल ले सकते हैं, गुजरात के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें निकालने के बाद उनको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया। दिल्ली के अगर अनुमान पर मैं बात करूँ आपसे, यहाँ 7 सीटें हैं, इस बार अलायंस किया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने, आपको लग रहा है इस अलायंस का दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ कोई फायदा नजर आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल इसका फायदा होगा। एक तो जब भी आप अपोजिशन यूनाइटेड रहता है तो एक कंसोलिडेशन ऑफ वोट होता है। जो लोग मोदी को या बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते वो 2014 में बिखरे हुए थे, उनको क्या था भाई किसको वोट दे, कांग्रेस को दो, आम आदमी पार्टी को वोट दे, ये तो जीत नहीं रहे। तो जब दोनों एक साथ आ गए तो इनका एंटी बीजेपी वोट का कंसोलिडेशन हुआ, और जो फ्रिंज पे बैठे हुए लोग थे, जो फ्लोटिंग वोटर्स था, जिसको लगता है यार बीजेपी को तो हम वोट नहीं देंगे लेकिन हमारा वोट बर्बाद भी नहीं होना चाहिए, चलो बीजेपी को दे देते हैं, ये जीत रही, लेकिन वो दिल से नहीं दे रहे, उनको लगा यार ये अगर ये दोनों एक साथ आ गए हैं तो हो सकता है अगर मैं उनको वोट दूँ तो हो सकता है ये जीत सकते हैं, तो वो फ्लोटिंग वोटर भी इधर आ सकते। इसलिए दिल्ली के अंदर भी लड़ाई टफ है, आसान नहीं होगी। हो सकता है बीजेपी 7 जीत जाए, हो सकता है 5 जीते, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, चुनाव में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2014-2019 की तरीके से फ्रैगमेंटेड अपोजिशन नहीं है, अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स अच्छी है, फ्लोटिंग वोटर्स के पास एक कारण है उनको वोट देने का।